एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं नंगा सोने के फायदे के बारे में। विदाउट क्लोथ्स अगर आप रात को सोते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, मैं जो बता रही हूँ ये मेरी अपनी बात नहीं है, रिसर्चर्स ये बताते हैं कि कपड़े उतार के सोने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो फिजिकली और मेंटली आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। तो चलिए उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फीमेल्स के बारे में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि फीमेल्स की जो वजाइना होती है वहाँ से हर वक्त 2400 घंटे ल्यूब पास होता है, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता रहता है, कुछ ना कुछ फ्लूइड बाहर आता रहता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो अपने आप को हमेशा क्लीन करती रहती है, जिसकी वजह से ये जो ल्यूब है वो बाहर आता है। और फीमेल जो होती है वो 2400 घंटे दिन के टाइम पे अंडरवेयर को पहन के रखती है। वो अंडरवेयर जो होता है वो कॉटन होता है, जिस वजह से वो सोख तो कर लेता है, पर रात के टाइम पे अगर आप अपने वजाइना को एयर कॉन्टैक्ट में रखते हो, अगर अंडरवेयर फ्री रखते हो ना, तो इससे एयर कॉन्टैक्ट में आने से जो वजाइना होती है वो ड्राई हो सकती है, अच्छे से रिपेयर हो सकती है। वो डिस्चार्ज की वजह से अगर कोई भी इन्फेक्शन पैदा होता भी है तो वो भी क्योर हो जाता है अपने आप, और इन्फेक्शन फ्री रहता है, वेजाइना हमेशा हेल्दी रहती है। तो ये आदत बहुत ही अच्छा होता है फीमेल्स के लिए। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो अपनी बहन के साथ या अपनी मम्मी के साथ सोती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना, आपका पावर, आपकी इंड्योरेंस, हर चीज़ में आपको कमी महसूस होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपको कम महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको स्पर्म काउंट जो है, आपका जो सीमेन प्रोडक्शन है उसमें आपको पतलापन महसूस हो रहा है, और आप बेड पे उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो जिस लेवल पे आप चाहते हो, आप बहुत जल्दी ही थक जाते हो, तो इस केस में आप चाहो तो आप माजून हबशी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो तेज़ी से आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को तेज़ी से बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस को इंक्रीज करता है। इसमें अकरकरा, मुस्तागिरुमी, विदारीकंद, अश्वगंधा, जफरन, सफ़ेद मूसली, शतावरी, शिलाजीत, लौवसम और सलाद मिश्री जैसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो तेज़ी से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर इंक्रीज करते हुए टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ट्राई आउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो उस केस में आप उतना ही कपड़े पहनो जितना आपके बदन को ढकने के लिए ज़रूरी हो, और उतना ही पहनो जो बिल्कुल ढीला ढाला हो और वो आपको डिस्कम्फर्ट से बचा सके, दैट्स इट। बट जितना अपने बॉडी को आप नाइट टाइम पे क्लोथ्स फ्री रखोगे उतना आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा होता है, और ये लड़कों के लिए भी सेम है, क्योंकि लड़कों की जो प्राइवेट ऑर्गन्स है उनको भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। नंबर टू, ये जो मैं बात करने वाली हूँ ना, ये कपल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हम नहीं, रिसर्चर्स ये बताते हैं कि ये टच जो होता है ना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारी स्किन, और अगर आप दोनों विदाउट क्लोथ्स होते हो तो आप दोनों एक दूसरे के टच में आते हो, टच करते हो, इससे मेल और फीमेल दोनों की इंटरेस्ट बनी रहती है, दोनों का जो अपने एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो इम्प्रूव होता है, दोनों एक दूसरे के क्लोजनेस को फील कर पाते हैं। और बहुत सारे मेल पार्टनर, इवन बहुत सारे फीमेल पार्टनर को लो लिबिडो की शिकायत होती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि विदाउट क्लोथ्स रात को सोने से, कपड़े बिना कपड़े के रात को सोने से उन दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग पैदा होती है, और एक अट्रैक्शन भी पैदा होता है जो उनके मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये टच जब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे काम करता है ना, तो उनकी ब्रेन जो होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करती है, जो एक दूसरे के लिए अच्छा फील करवाता है। नंबर थ्री, ये आपके स्किन को काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर करती है। देखिए, हमेशा हम दिन के टाइम पे फैशन की वजह से ना टाइट क्लोथ्स पहन के रखते हैं, इस वजह से हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती, और बहुत लोगों को स्किन रैश की, खासतौर से इस गर्मी के टाइम पे रैश की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप नाइट टाइम पे बिना कपड़े के सोते हो ना, तो आपकी स्किन काफ़ी जल्दी रिकवर होती है। नंबर फोर, ये लड़कों के लिए काफ़ी फायदेमंद है कि उनकी जो टेस्टिस होती है ना उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और स्पर्म को हमेशा लो टेम्परेचर में ही प्रोडक्शन करवाना होता है। अगर आप 2400 घंटे अंडरवेयर पहन के रखते हो, नाइट टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ पहन के रखते हो, तो हो सकता है इस गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर आपका मेंटेन ना हो, तो टेस्टिस को हेल्दी रखने के लिए एटलीस्ट नाइट टाइम पे उसको बिना कपड़ों के छोड़ दो, ये उसके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए और अच्छा होता है। इसके साथ सिर्फ टेस्टिस का नहीं, इसके साथ साथ बिना कपड़े के सोने से आपकी बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहती है, क्योंकि इस गर्मी के टाइम पे आप
हो सकता है कि हमेशा बाहर रहते हो, बाहर काम करते हो, इससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, स्किन पे काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है, इंटरनल आपको काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है बॉडी हीट ज़्यादा हो जाने की वजह से। तो बॉडी हीट भी कम होती है, बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है जब आप विदाउट क्लोथ्स होते हो, और नाइट टाइम पे ये बहुत ही जल्दी रिकवर होती है। बहुत सारी फीमेल पार्टनर को बॉडी शेमिंग की शिकायत होती है कि इवन 10 साल बीतने के बाद भी वो अपने मेल पार्टनर के सामने कपड़े नहीं उतार पाते, इवन फिजिकल होने के टाइम पे भी उनकी आधी कपड़े बॉडी में रहती है और आधी ही शायद बाहर हो, वो भी नहीं होता। तो विदाउट क्लोथ अगर आप रात को सोते हो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, अगर ये चीज़ आप कर पाते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी शेमिंग दूर होती है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल पार्टनर को स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है, बहुत सारे फीमेल पार्टनर मोटी हो जाती है, हो सकता है कि उनका ब्रेस्ट लटक चुका हो सकता है पिगमेंटेशन आ चुका हो, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना कहीं बॉडी शेमिंग आ जाती है और ये उनके बेडरूम लाइफ में काफ़ी इफेक्ट करता है। तो बिना कपड़े के सोने से आप धीरे 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 इन सारी चीज़ों से बाहर आ पाते हो, आप यूज टू हो जाते हो और अपने मेल पार्टनर के सामने काफ़ी कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। एंड लास्ट थिंग, आपको नींद बहुत बढ़िया आती है। आप खुद इस चीज़ को ट्राई करके देखना कि आप कपड़े पहन के आप एक दिन रात को सो और बिना कपड़े के अगले दिन सो, आप खुद देखोगे, खुद महसूस करोगे कि किस दिन आपको अच्छी नींद आई। ये एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिना कपड़े के सोने से हमारी बॉडी टेम्परेचर जैसे मेंटेन रहती है, हम काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं और इससे हमारी नींद काफ़ी अच्छी आती है। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये तो गर्मी का टाइम है, चलो विंटर के टाइम पे बिना कपड़े के हम कैसे सो सकते हैं। दोस्तों, आपके स्किन पे कपड़े ना रखने की बात करी है, आप ब्लैंकेट के नीचे भी सो तब भी बिना कुछ पहन के सो, उसकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उससे आपको जो बेनिफिट्स मिलता है वो अलग लेवल पे होता है। तो ब्लैंकेट लेके सो बट बिना कपड़े के सो। वीडियो अगर पसंद आया तो इसी खुशी में लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।